आजकल जिसको देखो सब हेडशॉट मारना चाहते हैं, मतलब हेडशॉट मार के ही बंदा गेम प्ले करना चाहता है कि बंदे को मारूंगा तो हेडशॉट से ही मारूंगा वरना खुद मर जाऊंगा। तो गाइज ये जो वीडियो होने वाली है उससे ही रिलेटेड होने वाली है कि मतलब जो लोग अपने हेडशॉट नहीं मार पाते हैं और हेडशॉट मारना सीखना चाहते हैं, बिल्कुल परफेक्ट हेडशॉट मारना सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो उससे रिलेटेड है। तो यार वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे आपको टिप्स तो नहीं देने वाला, मतलब जैसे आपने और भी वीडियोस देखी होंगी कि जिस 5-10 टिप्स आपको मिल जाती हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बेसिक जो नॉलेज होती है हेडशॉट मारने के लिए वही इस वीडियो में मिलने वाली है। और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है यार, क्योंकि अगर आपको नॉलेज लेनी है तो थोड़ा टाइम तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, जिनको हेडशॉट मारना सीखना है तो यार वीडियो तो आपको फुल वॉच करनी पड़ेगी। बाकी गाइस हेडशॉट से मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं कुछ बेसिक जो आपको चीज़ें होती हैं, बेसिक नॉलेज जो हेडशॉट मारने की फ्री फायर गेम के अंदर, वो ही देने वाला हूँ। तो यार वीडियो पूरी देखना, और जो भी भाई यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर सेट करके रख लेना। तो गाइस बात कर लें मेन चीज़, हेडशॉट ही नहीं, अगर आपको गेम प्ले, अगर आपका जो फ्री फायर गेम में गेम प्ले कंफर्टेबल करना हो तो आप एक चीज़ के बिना बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अगर आपका कस्टम एचयूडी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट मतलब ऐसे नहीं कि लाइक राइस्टार, लाइक पागल M10, ऐसे नहीं, खुद का पर्सनली आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक कस्टम एचयूडी जिसके हिसाब से आप कंफर्टेबली बिल्कुल परफेक्ट अपना गेम प्ले कर पाएँ फ्री फायर में। और उससे ही आपका फिर, अगर आपका गेम प्ले बढ़िया लगा, गेम प्ले बढ़िया होगा उस कस्टम एचयूडी जो आपने खुद क्रिएट करा, तो आपका हेडशॉट लगना बिल्कुल 100% वहाँ पे हो जाता है। जी हाँ गाइज, तो मैंने यही आपको कहा कि किसी का भी आप वीडियो देखते हैं कि इसके जैसा कस्टम एचयूडी मैंने क्रिएट करा है, मेरे हेडशॉट नहीं लग रहा, इसलिए यही मेन बात यही हो जाती है कि आप खुद का कस्टम एचयूडी क्रिएट करो और अपने हैंडसेट के हिसाब से, अपने स्क्रीन के, अपने डिवाइस की स्क्रीन के हिसाब से एक अलग सा कस्टम एचयूडी बनाओ जिसमें आप खेलने में परफेक्ट हो। गेम प्ले अगर आपका बढ़िया लगा होगा, गेम प्ले अगर आपका बढ़िया होगा उस कस्टम एचयूडी से, तो आपके जो हेडशॉट हैं वो गेम में ऑलरेडी खुद ही लगेंगे। जी हाँ गाइस, ऑटोमेटिकली आपके हेडशॉट लगेंगे। तो मेन अपना जो पॉइंट कह सकते हैं, कुछ भी बेसिक मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको इस हेडशॉट मारने में फ्री फायर के अंदर, फ्री फायर गेम के अंदर। बाकी गाइस जो अपना अगला बात कर लें अपनी, बाकी तो मेन चीज़ तो हेडशॉट के लिए अगर आपने कस्टम एचयूडी आपका परफेक्ट है तो दूसरी चीज़ तो यही हो जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए अपने गेम के अंदर। जितना टाइम आप गेम को देंगे उतना ही आप इस चीज़ में परफेक्ट होंगे। ये बात तो आपको पता ही, किसी भी फील्ड में चले जाएं जब तक आप उसकी ट्रेनिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस चीज़ में आप परफेक्ट नहीं बन सकते। तो मेन मेरा यही है कि अगर आप चाहे VR रैंक खेलें, चाहे क्लैश स्क्वाड, चाहे ट्रेनिंग खेलें, चाहे कस्टम, लेकिन हेडशॉट वहाँ पे चालू रखें, मतलब मारना ट्राई करें। कोई ऐसी बात नहीं है कि हर गोली सबके ही हेडशॉट लगते हैं, 10 में से 5 हेडशॉट भी अगर आपके लग गए, 4 हेडशॉट भी लग गए, तो भी आप थोड़ी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ जी मैं हेडशॉट मार सकता हूँ। और बाकी गाइस बात कर लें अपनी अगली, जो एम लॉक की बात हो जाती है। अब मैंने इस वीडियो आप देख रहे होंगे, ये मेरा ही गेम प्ले ट्रेनिंग ग्राउंड का, जिसमें मैं हर गोली ड्रैग तो कर रहा हूँ लेकिन जो ज़्यादातर मेरे गोली वो बंदे को छू ही नहीं रही है, क्योंकि मेरा जो करेक्टर का एम है वो उस बंदे पर जा नहीं रहा, मतलब एम लॉक नहीं हो रहा है। और जब तक एम लॉक परफेक्ट नहीं होगा तब तक मेरा जो हेडशॉट है वो बंदे के ऊपर, मेरे अपोनेंट या एनिमी के ऊपर नहीं लगने वाला। इसलिए जो एम लॉक आपको सही करना है, मतलब परफेक्ट कैसे करना है, वो भी उसमें प्रैक्टिस, जो मैंने आपको सबसे दूसरा जो पॉइंट कह सकते हैं बताया था कि ज़्यादातर जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें तभी परफेक्ट बन पाएंगे। इसलिए एम लॉक आपका परफेक्ट तभी होगा जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेनिंग करते रहेंगे, तभी आपका हेडशॉट मारने का जो ड्रीम कह सकते हैं वो भी पूरा हो सकता है। और हेडशॉट मारना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही, अब तो प्लेयर्स ऐसे हैं फ्री फायर में बहुत ही, मतलब इतने नए नए प्लेयर्स भी आते हैं वो भी हेडशॉट अच्छे खासे मार लेते हैं, क्योंकि गाइस जो बंदा समझ जाता है कि क्या फंडा है, क्या हर गन का, ऐसा नहीं कि डेजर्ट ईगल से मार सकता है वो शॉर्ट गन से नहीं मार सकता, या शॉर्ट गन से मार सकता है M500 से नहीं मार सकता, सब गनों का ना जो हेडशॉट मारने का फंडा होता है वो एक ही होता है, वो अब जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, एक्यूरेसी। जी हाँ गाइस, एक्यूरेसी का मतलब पहले मैं आपको बता दूँ, एक्यूरेसी ये होती है कि अगर आपने कोई से भी गन की एक गोली मारी या दो गोली मारी, वो गोली सारी उस बंदे को लगी
तो अपने एक्यूरेसी के साथ उस बंदे को किल करा। तो ये होती है गाइस एक्यूरेसी। जैसे मैंने अब डेजर्ट ईगल का एक शॉट मारा और उस बंदे को पहली गोली लग गई हेड पे, तो वो एक्यूरेसी के साथ एम लॉक करके मैंने उसको ड्रैग मारा और उसी से उसको आप बन टैप भी कह सकते हैं या हेडशॉट भी कह सकते हैं। तो गाइस यही है कि एम लॉक करके परफेक्ट करके एक्यूरेसी के साथ हेडशॉट मार सकते हैं। और इसका जो ओवरऑल खेल है, जो हर हेडशॉट मारने का कोई सा भी गन का, वो वही मेन जो एक्यूरेसी तो मैंने बता ही दिया। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेनिंग ग्राउंड या प्रैक्टिस में जाइए, ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग कीजिए। जिस गन से आप ज़्यादातर हेडशॉट या फेवरेट गन है आप कोई से भी, आप इजीली हेडशॉट मार सकते हैं। तो गाइज यही थी कुछ बेसिक नॉलेज जो फ्री फायर गेम में हेडशॉट मारने में काफ़ी हद तक अपने प्लेयर्स को मदद करती है। गाइज वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो यार वीडियो को लाइक और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यार ऑल पर सेट कर देना। तो गाइज मिलते हैं कनोदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।